देखिए लगातार 2014 के बाद से जब मोदी सरकार आई तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई थी, शिक्षा को सस्ता करने का वादा करके आई थी। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ये देखा कि इनका सबसे पहला फैसला था WTO के तहत शिक्षा को गिरवी रख देना। उसके बाद इन्होंने फेलोशिप्स को ख़त्म किया। जब स्टूडेंट मूवमेंट उभरने लगे WTO के ख़िलाफ़, तो इन्होंने ऑक्यूपाई, मतलब इन्होंने क्या किया कि नॉन नेट फेलोशिप ख़त्म करने का एक मूवमेंट इन्होंने चलाया। उसी के खिलाफ छात्रों ने ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट चलाया। हम लोगों ने लगातार एक प्रोटेस्ट किया, लेकिन हम ये देख रहे हैं सीट कट, फंड कट जैसी समस्याएं आज की सरकार की एक बहुत कह सकते हैं एजेंडे के तहत है कि जब सीट्स नहीं होंगी तो बच्चे एडमिशन कहाँ लेंगे, और जब एडमिशन नहीं लेंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं। और आज वर्तमान समय की स्थिति ये है कि डिग्री के नाम पर जगह जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोल दिए गए हैं, वहाँ से आपको डिग्री मिल रही है। सिर्फ डिग्री तो है आपके पास, लेकिन शिक्षित बनाने का काम वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर रही है, जिस पे जहर उगला जा रहा है, जिस पे अंधभक्त लोगों को बनाया जा रहा है, सवालों से दूर किया जा रहा है। क्योंकि अगर स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेने जाएगा, पढ़ने नहीं जाएगा विश्वविद्यालयों में, तो जाहिर सी बात है उसको अपने टीचर से मतलब नहीं होगा, अपने सिलेबस से मतलब नहीं होगा, और फीस से मतलब नहीं होगा। तो ये है कि लगातार सरकार इस तरह की नीतियाँ ला रही है। आप ये देखिए कि जिस कैंपस में भी विरोध हो रहा है, जेलों में स्टूडेंट्स को डाला जा रहा है। आप ये बताइए कि जो विश्वविद्यालय में बच्चा पढ़ने आया है उसका शिक्षा से सरोकार ना करवा करके जेलों में उनको डाला जा रहा है। तो ये स्थिति है सरकार के अंदर, और हमें लगता है कि सरकार से लगातार अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका आप देखिए तो यही परिसरों से निकलने वाले छात्र हैं। हम लोग भी लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, तमाम विश्वविद्यालयों का यही हाल है कि हर जगह जो विपक्ष की भूमिका, हर स्टेट में जो विपक्ष की भूमिका बन रही है वो छात्र कर रहे हैं। लेकिन मैडम, आपने अभी बताया 2 करोड़ नौकरियों का जो वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नौकरी नहीं, आप एक पकौड़े का भी व्यापार कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो पकौड़ा एक अच्छा वो तलने वलने का वो अच्छा रोजगार है। तो नहीं, मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी एक अच्छे प्रधानमंत्री तो हैं नहीं, उनको वापस अपने ही काम नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं तो ये छात्र भी उनको यही सलाह दे रहे हैं कि हम पकौड़ा तो बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाय बेचने के लिए मोदी जी ही होने चाहिए बगल में। और ये पकौड़े बेचने के लिए कोई स्थान भी तो बताना चाहिए। नहीं, पकौड़ा तो नहीं, पकौड़ा बेचने का जो इन्होंने सुझाव दिया है, आप ये देखिए कि एक गरीब घर का बच्चा जब विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता है, एक पकौड़े वाले का बच्चा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, किसी तरह से बेचारा गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है, पढ़ने के बाद स्कॉलरशिप या किसी अन्य माध्यम से वो बच्चा इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा होता है, उसको रोजगार देने की जगह, उसको प्रोत्साहित करने की जगह सदन के अंदर और सदन के बाहर, आप ये देखिए कि सदन के बाहर मोदी जी बोल रहे हैं पकौड़ा बेचिए, और सदन के अंदर पकौड़े को डिफेंड कर रहे हैं अमित शाह। ये बेहद शर्मनाक है। जहाँ पे रोजगार, युवाओं को नए अवसर देने की बात होनी चाहिए थी, वहाँ पे देश इतना पीछे होता जा रहा है कि आज स्थिति आ गई कि रोजगार देने का वादा कर कर आई सरकार हम लोगों को ये सुझाव दे रही है कि पकौड़ा दे दीजिए। अगर पकौड़ा ही बनाना था तो हम आपको वोट नहीं देते मोदी जी। तो ये है हमला है सरकार का। पूजा जी, जब मोदी जी वो लखनऊ के अंदर गए थे, आप उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे और आपको पुलिस ने अरेस्ट करा, और आपके साथ में क्या व्यवहार किया उन्होंने? देखिए, हम लोग जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या की गई जी, तब उसके बाद जनता में एक आक्रोश था और स्टूडेंट्स में एक आक्रोश था, और वो सवाल रोहित वेमुला की जो संस्थानिक हत्या की गई वो एक सवाल बना कि कैंपसेस के अंदर जिस तरह से जाति व्यवस्था मजबूत है, ये जाति व्यवस्था पहले भी रही है कैंपसेस में, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी सरकार, लेकिन इस सरकार ने उसको मजबूती देने का काम किया है। आप ये देखिए कि इस सरकार के आते ही जाति व्यवस्था इतने तगड़े से मजबूत होती है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, वहाँ पर जैसे ही BCA अपॉइंट हुए उन्होंने मुख्य मुख्य पदों पे ठाकुरों की नियुक्ति कर दी, और ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से जातिवाद है, और इस जातिवाद को कैंपसेस के अंदर बढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट्स पे थोपा जा रहा है, जिसके चलते रोहित वेमुला को इतना टॉर्चर किया गया कि अंततः उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इस तरह से कैंपसेस के अंदर, कैंपसेस के बाहर छात्र लड़ रहे हैं, और हर जगह यही समस्या है। पूजा जी, आपका नाम पूजा शुक्ला है, तो आप एक हाई कास्ट से बिलोंग करती हैं और फिर आप उनका विरोध करती हैं, तो आपको परिवार का या आपके समाज का कितना आपको एक वो क्या कहते हैं अत्याचार सहन करना पड़ता है?
देखिए एक बात है कि जैसे मान लीजिए कि लोक डेमोक्रेसी की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, तो अक्सर हम ये मानते हैं कि मेजॉरिटी जिस तरफ है लोकतंत्र उसी के साथ है। जी, वो आज हो रहा है। हाँ, आज वही हो रहा है। हाँ, कि लोकतंत्र के तहत बोला जा रहा है कि मोदी जी कुछ भी करें तो वो सही है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब मैं जिस समाज से आती हूँ, जिस परिवार से आती हूँ, परिवार में तो शुरुआती दौर में मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन मेरे फादर के टाइम से मैंने बहुत बदलाव भी देखे। और जब धीरे धीरे मैं इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने आई, तब अम्बेडकर की विचारधारा, भगत सिंह की विचारधारा से एक रूबरू हो पाई। तो जब मैंने अम्बेडकर को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने ये महसूस किया कि क्योंकि जब तक आप बच्चे को बताएंगे ही नहीं कि ये जो दूसरा बच्चा है, जो इतना कमज़ोर है, जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण ये वर्णवादी व्यवस्था है, उस वर्णवादी व्यवस्था को चलाने वाले लोग कौन है। तो जब धीरे धीरे हम लोगों ने जानना और समझना शुरू किया, तो मेरे सामने दो ऑप्शन थे। या तो मैं उन गलत कामों को सुधारने की जगह उन गलत कामों का सपोर्ट करूं, यानी उस वर्णवादी व्यवस्था को ही चालू रखूं, और या तो मैं उसके खिलाफ लड़ूं। अच्छा, वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का कारण एक और है कि इसी व्यवस्था के कारण पितृसत्तात्मक समाज मजबूत होता है, जो महिलाओं के ऊपर एक तरह से आप कहिए कि महिलाओं को रोकता है। तो बीइंग अ महिला, मैंने जहाँ तक लेनिन को पढ़ा है, जहाँ तक मैं अम्बेडकर जी के बारे में मैंने पढ़ा है, तो महिलाएं महादलित की श्रेणी में आती हैं। महादलित की श्रेणी में है, जिनको एक प्रधानमंत्री जन्म और भगवान को भी वो वही जन्म देती हैं और उनको दलित। हाँ, जबकि आप वही देखिए ना कि जो मजदूर, जो किसान, जो दलित तबके से आते हैं, मैं ये कह रही हूँ वर्णवादी व्यवस्था में, जो आप देखिए जो काम करने वाले खेत में लोग होते थे, या किसी भी तरह का समाज में काम करने वाले लोग होते थे, जो एक क्रिएटिव चीज़ें समाज को देते थे, वो स्वयं दलित होते थे, आदिवासी होते थे, वो पिछड़े तबके से लोग आए हुए लोग होते थे, अल्पसंख्यक होते थे, लेकिन उन्हीं सारी चीज़ों से उन्हें दूर रखा जाए। जैसे किसान खेती करता है, अन्न उगाता है, लेकिन खुद अन्न खाने को नहीं पा रहा है, वैसे ही महिलाएं कितना भी अपने आप को स्वतंत्र कह लें, आज भी ये गुलामी की बेड़ियां ही पितृसत्तात्मक ढांचों ने मजबूती से कस रखी है उनके ऊपर। तो ये एक समस्या है। पूजा जी, अभी आपने बताया है कि वो एक जो वर्ण व्यवस्था है, डॉक्टर अम्बेडकरवाद के अंदर ऐसा आपको क्या अच्छा लगा कि जो आप अम्बेडकरवाद को आपने पढ़ा, लेनिन को पढ़ा, तो अम्बेडकरवाद के अंदर ऐसा क्या है? देखिए, अम्बेडकर जी को पढ़ना है तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम्स तो एक बहुत दूर है, आप छोटी सी बुकलेट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हाँ, किस तरह से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था, मतलब अभी तक तो सिर्फ आपने सुना कि जाति व्यवस्था थी, लेकिन उसके अंदर बाबा साहब ने किस तरह से हम जातिवाद को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी पहल ले सकते हैं, ये उन्होंने बताया। दूसरी बात ये कि आप ये देखिए, हिंदू कोड बिल, बाबा साहब को अक्सर हम दलित जाति से जोड़ के देखते हैं, जबकि मैं ये मानती हूँ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब बहुत बड़ा एक नाम है, और उनके विचार, आप ये देखिए, सिर्फ उनके विचार इस देश में नहीं पढ़े जाते, विदेशों में भी पढ़े जाते हैं। यानी अगर यही एक कारण है कि मोदी जी भले ही कितना भी जातिवाद करते हों, लेकिन उनको खुद को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए बाबा साहब का नाम लेना पड़ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप देखिए तो बाबा साहब की पहचान है, बाबा साहब को लोग जानते और समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि बाबा साहब ने एक मिथक को तोड़ा, सावित्री फूले ने एक मिथक को तोड़ा कि महिलाओं को शिक्षित किया, आज हम लोग भी उसी क्रम में उसी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूजा जी, आपका मानना है कि अगर बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखते तो कहा जाता है कि एक शिक्षा ऐसा एक शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ढारेगा, तो उसी तरीके से आप एक शुक्ला होने के बावजूद, एक ऐसी जाति में जन्म लेने के बाद में आपने बाबा साहब को पढ़ा, आप ढाड़ रहे हैं, तो आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? महिला युवाओं से क्या अपील करना चाहते? युवाओं से यही अपील करना चाहती हूँ, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हों, आपके लिए ये देश सबसे बड़ा है। इस देश के महान क्रांतिकारी लोग, चाहे वो किसी भी समाज से आते हैं, आपको सम्मान करना होगा। जिस व्यक्ति ने इस देश को संविधान दिया, संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसके तहत आज हम और आप सांस ले रहे हैं, नहीं तो मोदी सरकार के तहत तो हम लोग जेल से बाहर ही नहीं निकल पाते, या आंदोलनों की स्वतंत्रता उन्होंने हमें दी। तो हम सारे लोगों को जाति व्यवस्था और इस जाति व्यवस्था को तोड़ने के खिलाफ, शिक्षा को मजबूत करने के लिए, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को जारी रखना है, और ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक इस समाज में असमानता है। वो असमानता जाति की हो सकती है, लिंग की हो सकती है, मजहब की हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। लेकिन माना जाता है कि बाबा साहब ने अधिकतर महिलाओं के लिए काम किया,
कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार या महिलाओं को स्वतंत्र रहने का या जो नौकरी कर रही हैं आज या जो देश की प्रधानमंत्री भी रही या मुख्यमंत्री रही वो बाबा साहब की देन है। तो आज उस संविधान को ही जो मोदी सरकार या मोदी सरकार में जो मिनिस्टर हैं वो संविधान को ही ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए ये लोग वर्णवादी व्यवस्था से ग्रसित मनुवादी विचारधारा से लैस लोग हैं। इनको सीधे तौर पे जब ये सरकार में आए तो इनका पहला एजेंडा था कि किस तरह से संविधान को कमज़ोर करके और मनुस्मृति को लागू किया जाए। आप ये देखिए कि जो लोग कह रहे हैं आज देश संविधान से चल रहा है वो लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग अघोषित तौर से मनुस्मृति को लागू कर दिए हैं। इसीलिए कैंपसेस के अंदर जो दलित पढ़ने जाता है चाहे वो रोहित वैमला हो उसको मार दिया जाता है। जब नजीब पढ़ने जाता है चूँकि वो अल्पसंख्यक है इसलिए उसको गायब कर दिया जाता है। जब महिलाएं पढ़ने जाती हैं तो BHU का आंदोलन किसी से छिपा नहीं है। तो आप ये देखिए कि अघोषित रूप से मनुस्मृति लागू हो रही है और इसके खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो संविधान है। और उस संविधान को लेकर के हम लोगों को प्रधानमंत्री जी से 2019 में पूछना है कि आप ये बताइए कि आप मनुस्मृति मानते हैं या संविधान। और अगर आप संविधान मानते हैं तो इन 5 सालों में आपने अघोषित रूप से मनुस्मृति को लागू क्यों किया? और मैडम जो 2 करोड़ नौकरियों का जो वायदा था वो नहीं आप मालूम करेंगे? जब संविधान बचेगा तब नौकरियां भी मिलेंगी। मैडम आपने जब मोदी जी गए थे आपने काले झंडे दिखाए थे और आपको शायद टॉर्चर भी किया गया था। हाँ मोदी जी के में तो हम लोगों को बहुत पिटाई हुई थी, लेकिन योगी जी को जब काला झंडा हम लोगों ने दिखाया था तो हम लोग 1 महीना जेल रहे। 1 महीने जेल रहे? 1 महीने हम लोग जेल में थे। और हमारा इशू भी बहुत बड़ा इशू नहीं था, फीस वृद्धि का आंदोलन था। जिस तरह से कैंपसेस में बजट कम किया जा रहा है, छात्रों से पैसा वसूला जा रहा है और उसी पैसे से RSS का कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे विश्वविद्यालय की भी वही कंडीशन थी। हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और हम लोगों ने झंडे दिखाए। झंडे दिखाने का एकमात्र पर्पस ये नहीं था कि सिर्फ फीस वृद्धि, उसका मतलब ये था कि जिस तरह से कैंपसेस के अंदर कम्युनल माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदू बनाम मुसलमान कैंपस को बनाया जा रहा है, जिस तरह से पढ़ाने के लिए छात्रों को पैसे नहीं हैं लेकिन शिवाजी की बड़ी मूर्ति लगाने के लिए पैसे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा आंदोलनकारी क्रांतिकारी या महापुरुष ये चाहता होगा कि आप उस पैसे से आप हमारी मूर्ति लगा दीजिए लेकिन छात्रों को शिक्षा से वंचित कर दीजिए। तो ये महापुरुषों का अपमान कर रहे थे, उसके खिलाफ हम लड़े।